भाई दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमसे है। हमारे बेटे जो कारगिल में है, चाइना के बॉर्डर पे है, जहाँ जहाँ खतरे हैं वहाँ रोज हमारी बॉडी आ रही है। हमारे गांवों में जाके देखो, हर गांव में दो चार प्रतिमाएं लगी है योद्धाओं की, और इनके यहाँ पूरे गुजरात में एक भी प्रतिमा नहीं है, एक भी योद्धा नहीं है जो वहाँ लड़ा हो। और ये हमें बेचने का काम कर रहे हैं। 3 महीने तो जो पैदा आए हम कर रहे हैं ये ना खावें, चाहे वो सब्जी है, मेवा है, फल है, जो भी खाद्यान्न है। और 3 महीने इनका बनाया हम नहीं खाते। जो गाड़ी बना रहा हो गाड़ी खा लो, जो मोबाइल बना रहा हो मोबाइल खा लो, जो सोना बना रहा हो सोना खा लो, जो रुपये छाप रहा हो रुपये खा लो, जो लत्ता अच्छा कर लो ना, सौदा कर लो 3 महीने का, जो बचेगा वो राज कर लेगा। खाओगे मारा और हमें मारेंगे। अंधभक्त वे पगला गए, वे आज भी मोदी जिंदाबाद, मोदी है तो सब कुछ संभव है। हो गया ना संभव, सब कर दिया ना बर्बाद सब कुछ। धीरे धीरे बेचने पर लग रहा है, एक दिन बता रहा, अगर तुम भी सब हमारी गैल खड़े ना हुए, इस देश की जो है नागरिकता खत्म हो जाओगी। पहले तो हिंदू मुस्लिम, अबे हम साथ रह रहे हैं सदियों से। होया क्या आज देश में, प्रजातंत्र के बजाय तंत्र प्रजा हो गया, तंत्र ऊपर चला गया, प्रजा नीचे आ गई, गणतंत्र खत्म हो गया। गण कहाँ रह गए, गण की तो हिम्मत नहीं, दिल्ली चले जा भाई। हमारे जितने आदमी गए थे, किसान जितना गया था, झंडे लेकर गए थे तिरंगे। अब इनके जो अपने आदमी थे जो वहाँ झंडा चढ़ा रहे थे, जो इनके निजी आवास में, प्रधानमंत्री के निजी आवास में जो बराबरों में बैठ के फोटो खिंचवा रहा था, जो अमित शाह की गैल फोटो खिंचवा रहा था, जो जो इनके बड़े बड़े मंत्रियां हैं उनके साथ गड़मैया कर रहा था। बेटे जब से संगठन बना 87 से, संगठन कौन सा, किसान यूनियन, उसकी हम पहली कड़ी है जो हम टिकैत साहब की गैल रहे थे, और आज तक इसमें लड़ाई लड़ रहे किसान हित की। पर ये जो सरकार आई है, इनका तो DNA जो है वो आम आदमी किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी, सामान्य विरोधी। ये जो लोग हैं इसे आप किसान आंदोलन ना समझे, ये जन आंदोलन हो गया बेटे। इसमें जनता प्रभावित हो रही है। कोई एक आदमी सारे देश का खाद्यान्न लेके बैठ जा और उसकी मोनोपोली होगी। अभी 150 रुपये किलो आटा बिके, 200 रुपये किलो आटा बिके। ये जो है इस देश को मिटाने की जो साजिश है, ये जो जमीन और हमें बेच रहे कॉरपोरेट घरानों को, वो जो अति है, वो जो अति है उसका विरोध हम कर रहे हैं। ये लोग खुद तो ये बिक गया, इन्हें आधा भारत बेच दिया, अब रही सही कृषि बच रही थी, जिसमें इतने बुरे टाइम में जहाँ सारी दुनिया हाय हाय कर रही थी, उसमें अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी। अध्यादेश तो कभी कभी एमरजेंसी में लाया जा, बहुत एमरजेंसी हो, वो ऐसे कार्यकाल में लेकर आया जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। ये जो इनके पीछे जो बहुत बड़ी साजिश है, और वो साजिश जो इस देश ख़त्म करने की है, इसे बेचने की है। ये जो कह रहे ना बेर बेर मैं झोला ठा के चला जाऊँगा, झोला ठा के नहीं जाने दे भाई, झोला मारा है, झोला इस किसान का है जो इस बुरे टाइम में भी हमने जो है इस देश की इज्जत बचाई है। 3-4% हमने बढ़ाई है जो इसमें। अच्छा, एक सवाल है कि आप बता रहे हैं कि जब से भारतीय किसान यूनियन की जब से नींव रखी गई है तब से आप लोग साथ दे रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग कभी नहीं इस तरीके का आंदोलन देखा है? बेटा इस तरह की ना देखा ना देखने की उम्मीद, मैं तो कहूँ भगवान ऐसा ना दिखावे। आज जो है दिल्ली इनकी थोड़ा ही है, दिल्ली की सीमाएं सील कर रहे, दीवार बनवा रहे। भाई दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमसे है। हमारे बेटे जो कारगिल में है, चाइना के बॉर्डर पे है, जहाँ जहाँ खतरे हैं वहाँ रोज हमारी बॉडी आ रही है। हमारे गांवों में जाके देखो, हर गांव में दो चार प्रतिमाएं लगी है योद्धाओं की, और इनके यहाँ पूरे गुजरात में एक भी प्रतिमा नहीं है, एक भी योद्धा नहीं है जो वहाँ लड़ा हो। और ये हमें बेचने का काम कर रहे हैं। इसका जो है ना न्याय होगा, ईश्वरीय न्याय होगा। हम तो ये कह रहे हैं जितने खाद्यान्न है दुनिया के वो हम पैदा करते, किसान पैदा करता, मेवा से लेकर सब्जी तक फल तक, हमें ही मारा जा रहा। हमारे 20 आदमी रोज आत्महत्या कर रहे, किसान पेट पर लटक के आत्महत्या कर रहा। अब तो जो है जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं पत्रकार, अब उनको भी पकड़ा जा। देखो बेटा, ये जो अति से भी ज़्यादा अति हो ना, अन्याय से भी ज़्यादा अन्याय हो, वो ये हो रहा। अगर कोई पत्रकार सच बोल रहा है, इस देश में सच बोलना गुनाह हो गया है, उसे ही जेल भेज दो, देशद्रोही कह दो, राष्ट्रद्रोही कह दो। वही आतंकवादी है, वही खालिस्तानी है, वही नक्सलवादी है। इनका जो दिमाग खराब हो गया, ये बौखला गए, पगला गए बिल्कुल। एक तुम्हारा काम ये है, चौथा स्तंभ है, सच्चाई बताओ ना लोगों को। जो इसका मोदी मीडिया है उसे तो अरबों खरबों रुपया थे उसके घर पे जा रहा, और जो सच बोल रहा है उसे जेल दिखा रहे। हमारी पहली मांग ये भी है, अब जो हमारा भाई पकड़ा गया है
वो हमें सबसे पहले वो मिले हमारा पत्रकार, उसके बाद में जो हमारे भाई पकड़े गए किसान भाई, वे छुटका में बात जब होगी, इससे पहले कोई वार्ता नहीं होगी। और रही मरने जीने की बात, वो तो ऊपरला तय करेगा किसे मरना किसे जीना। अच्छा एक चीज़ और भी है, भारतीय किसान यूनियन के जो सबसे पहले नींव रखी थी, किसने रखी थी ये? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे। टिकैत, अच्छा बताए, ये भी जाता है कि जो बाबा महेंद्र सिंह जो टिकैत जी हैं, वो अगर एक बार सड़कों पर उतर जाते थे तो सरकार खुद उनके पास आ जाती थी करने के लिए? बेटा उनको जाना पड़ता बेटा, वो जो इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि जहाँ से वो चलते थे लाखों आदमी उनकी गैल हो ले। पर इतना बड़ा आंदोलन ये विश्व स्तर पर है बेटा, ये आंदोलन, और विश्व के देश जो वे भी ये कह रहे हैं गलत हो रहा है, वहाँ भी ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो पूरे देश में आंदोलन है इस टाइम, ये कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग हैं, इनकी मुट्ठी भगवान ना करे कि इस पूरी दुनिया को ना संभाले अपने नाम में, ये पागल हो गए। और ये जो पागल आदमी है वो कुछ भी कर सके। अच्छा, कल बजट पास हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे दिल में किसान बसते हैं और उनके गांव बसते हैं। बेटा ये जो हैं झूठ और जुमले वाले लोग हैं, ये झूठ को तो जुमला कहें, एक झूठ का नया नाम निकाल दिया उन्होंने जुमला। इन्होंने पहले कही थी 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 500 लाख करोड़ रुपया जो काला धन है बाहर से ला के 15 लाख दे देंगे। एक इन्होंने यो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दें, बिल्कुल उल्टा हुआ, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है, नौकरी 10 करोड़ चली गई हैं, मतलब जो यो कह रहे समझ लो उल्टा हो गया। किसान को तो ये मिटाने के, ये तो जुमले थे जो कहे गए, ये जुमले थे, और ये जुमले ज़्यादा दिन नहीं चलते। झूठ का अस्तित्व नहीं होता, झूठ का कोई अस्तित्व नहीं है, सच कितना ही कमज़ोर दिखा वो जीतता है। ये रावण दुर्योधन जैसे लोग चले गए, होया क्या आज देश में, प्रजातंत्र के बजाय तंत्र प्रजा हो गया, तंत्र ऊपर चला गया प्रजा नीचे आ गई, गणतंत्र खत्म हो गया, गण कहाँ रह गए, गण की तो हिम्मत नहीं दिल्ली चले जा। भाई हमारे जितने आदमी गए थे, किसान जितना गया था, झंडे लेकर गए थे तिरंगे, अब इनके जो अपने आदमी थे जो वहाँ झंडा चढ़ा रहे थे, जो इनके निजी आवास में, प्रधानमंत्री के निजी आवास में जो बराबरों में बैठ के फोटो खिंचवा रहा था, जो अमित शाह की गैल फोटो खिंचवा रहा था, जो इनके बड़े बड़े मंत्रियां हैं उनके साथ गड़मैया कर रहा था, वो आदमी तो ठीक है, किसान जो तिरंगा लेकर चला गया वो अन्याय हो गया ये। अच्छा एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि आप लोग जो हैं ये फ्लाईओवर के नीचे बैठे हैं, लेकिन जो ऊपर का माहौल है, पुलिस ने जो है पूरी तरीके से जो है कंटीले तार से जो लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, एक आम नागरिक भी मतलब इधर से भी नहीं आ सकता है, इस तरीके की व्यवस्था? देखो बेटा, ये बेटा जो अति हो ना, अति से आगे की बात हो रही है, अति नहीं रहेगी है। ये रोड जो पूरी ऐसी कर दी गई है जैसे कोई ऐसे बहुत बड़े वो हो रहा हो इस देश के ऊपर आक्रमण, उनसे बचाना हो, हम देश के नागरिक हैं। ये कहना फंडिंग की बात करें, हमारे खेत इतनी बड़ी फंडिंग कर रहे हैं, इस देश को खुआ रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, हमारा फंडर तो खेत है, और जितना हम फंडिंग बंद कर देंगे 3 महीने नहीं जी पाओगे। भाई अगर हम खाद्यान्न बंद कर दें, खाद्यान्न इनका रोक लिया, एक फैसला करवा दो बेटे थारा इनका, हम आज उठ जाएंगे, 3 महीने तो जो पैदा आए हम कर रहे हैं ये ना खावें, चाहे वो सब्जी है, मेवा है, फल है, जो भी खाद्यान्न है, और 3 महीने इनका बनाया हम नहीं खाते। जो गाड़ी बना रहा हो गाड़ी खा लो, जो मोबाइल बना रहा हो मोबाइल खा लो, जो सोना बना रहा हो सोना खा लो, जो रुपये छाप रहा हो रुपये खा लो, जो लत्ता अच्छा कर लो ना, सौदा कर लो 3 महीने का, जो बचेगा वो राज कर लेगा, खाओगे मारा और हमें मारेंगे। भाई मारा ही खाओगे और हमें ही मारेंगे, चोर खुद हमें चोर बताओगे। ये लोग जो ये भूल गए कि देश किसके सहारे चल रहा, ये कृषि प्रधान देश था, है, रहेगा, यहाँ आज भी कृषि की जो है GDP वह मेरे ख्याल से 3-4% कृषि से उठी है। हम तो ये कह रहे बेटा हमें लाभकारी मूल्य की भी जरूरत नहीं, जबकि सारी दुनिया का एक व्यापार है, और हर उत्पादक अपनी लाभकारी मूल्य चाहे 2 नए पैसे लो, हम अपना पहली बात तो हम अपनी किसी जींस का मूल्य तय नहीं कर पाते, सरकार तय करेगी न्यूनतम लाभकारी नहीं, और उसमें लेगी नहीं, हम यही तो कह रहे हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें भाई खरीद लो सारा, एक गारंटी दे दो इससे नीचे नहीं खरीदा जाओगा। एक जो 3 काले कानून है भाई, एक बात कह रहे हैं जब इनमें हमारा फायदा है, सरकार का तो कोई फायदा नहीं बताते हुए, जब हमारा फायदा है वो फायदा हमें चाहिए नहीं, फिर तलवार लेकर क्यों पीछे भग रहे, लो फायदा इसके पीछे दिख रहा ना दाल काली है सारी, तो इनका जो है अच्छा लोग जो इनके वे हैं ना जिन्हें क्या कहें पिट्ठू अंधभक्त, वे पगला गए, वे आज भी मोदी जिंदाबाद मोदी है तो सब कुछ संभव है, हो गया ना संभव, सब कर दिया ना बर्बाद सब कुछ, धीरे धीरे बेकने पे लग रहा है, एक दिन बता रहा
अगर तुम भी सब हमारी गैल खड़े ना हुए, इस देश की जो है नागरिकता ख़त्म हो जाओगी। पहले तो हिंदू मुस्लिम, अबे हम साथ रह रहे हैं सदियों सदियों से, हमारा आपसे समझ उठा बैठ थी वो ख़त्म कर दी। मंदिर बनवाओगे, चलो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया, उसे बेचारा राज्यसभा मिल गई। तो आप फाइनली क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार, क्योंकि कल बजट सत्र चला तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि अब जो है कृषि आसानी से जो है वो ले सकता है, ब्याज ले पैसे ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा एक बात बताऊं, जो आजमाए हुए ना आजमावे, हमने तो आजमा रखा है, यो जो कहे उसको उल्टा करे। अरे एक बात बता रहे, हम तो मरेंगे पर यो देश भी याद रखेगा, ऐसा बड़ा आंदोलन जनता के लिए, जिसके जो बेचारा आम नागरिक 99% की लड़ाई लड़ रहे, और यह लड़ाई हम पार करके जाएंगे, तीनों कानून वापस होंगे, और जो ये है ना न्यूनतम समर्थन, इस पर कानून बनेगा, उससे पहले समझौता होगा नहीं बेटा। नाम बता। नाम मेरा विजयपाल घोपड़ा, मेरठ से है बेटा।